कैसे हैं आप लोग? तो आज 31 मई और अभी बज गए हैं 12:30। अब मैं जा रही हूँ अभी डाकघर कुछ काम कराने के लिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, साउंड बहुत हो गया। तो हो गया मेरा, तो अभी चलते हैं घर का कुछ सामान लेना है, वो खरीदने। लेट्स गो। सो काफ़ी सारा सामान लेके मैं निकल चुकी हूँ, भारी हो रहा है। हेलो, इट्स इवनिंग टाइम। मैं निकल गई हूँ ऑफिस से घर के लिए, बट अभी मेरी बहन और मेरी ताई जी गाँव से आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों के साथ ही जाऊँगी, इसलिए मैं आज थोड़ा लेट निकल गई हूँ। फिट भी लेकर आना है फैन। बाय। तो अब चलते हैं उनके पास, फिर उन्हीं के साथ खड़ जाएंगे हम लोग। तो मैं पहुंच गई हूँ, ये लोग भी आ रहे हैं। वो मुझे कह रहे सामान है मेरे पास, ऑलरेडी सामान है। तो चलो वो आ गए। मेरे पास था बैग और पैसे, तो इन लोगों ने मंगवा दिया पैसों से कोल्ड ड्रिंक। और इतना बाहर ऑलरेडी था और 2 लीटर बाहर और आ गया, इससे अच्छा तो साला पैसे ही थे, कम से कम हल्के तो थे। एक मेन पावर मंगवाई मैंने फ़ोन करके, घर पे आ गया वो और मेरे को यहीं छोड़ गए। तो अभी मैं बनाती हूँ उनके लिए चाय, तब तक मैं लेके आती हूँ इनको अंगूर हमारे पेड़ के ताई को, दिखा के आती हूँ, खिला के आती हूँ। ताई लीजिए अंगूर, खाइए हमारे पेड़ के। हाँ, तो अभी बन रही है चाय, चाय बन रही है। सो मैं बना रही हूँ चाय और पी रही हूँ एक ग्लास दूध। वैसे मैं दूध पीना पसंद नहीं करती, बट वो गाँव का है ना, सो इसलिए पी रही हूँ। गाँव का टेस्ट अच्छा होता है, तो अभी मैं चाय बनाती हूँ। नहीं यार। हाँ यार, चाय का मिलो। हाँ यार, मेरी फेवरेट बाल मिठाई, आई लव दिस। तो खा लेते हैं, खाते हैं। हाउ, ये अल्मोड़ा की फेमस मिठाई है बाल मिठाई, और इधर से चॉकलेट पड़ी, मज़ा आता है इसे खा। क्या ये तरबूज है क्या? तरबूज है, गांव में हुआ था है? चल, ये गांव में हुआ है क्या? ताई जी मानी नहीं रही तरबूज, ताई जी कह रही है ये सब्जी वाला है। ताई ये क्या है, गांव में हुआ है? इतना छोटा, इतना प्यारा लग रहा है। हाँ भाई बेटे, गाँव में इतनी चीजें, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, गाँव में ही बड़ा हो रहा है। ये गाँव की दाल है, अपने गाँव, अपने आप बोई हुई, अपने हाथों से बोई हुई। मेरे सरास प्याज का कॉन्टेक्स। हाँ, मेरे सरास। अरे सरास आती थी ना बोल। हाँ, ये प्याज, गाँव का प्याज। तरबूज है, कितनी सब्जी खाते हैं सर? तरबूज है बेटा, ये तरबूज है तो पकने नहीं देते। ये करी ना, मैं भी जानू। अरे पूछ ना, पकाते नहीं देते, पकने नहीं देते थे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, खिला दो, कोई चक्कर नहीं। नाम बताओ। मां से पूछना है। ए मां, नाम बता। हम तो लाई है अग्योल। ये है अग्योल है। खोल, क्या है ये, है होता क्या है इससे? ये अग्योल है, इससे आग जलती है। इससे कैसे मतलब? इससे ये तो खाली मुझको रखने का पॉइंट बटवा। अच्छा, ये बटवा है, ये बताएगा, ये बताएगा। तो इससे कैसे जलती है? ये लोहे का है। हाँ, इससे जलती है। आग जलाते थे लकड़ी
ये किस चीज का दिखाना है? लोहे का है तो लोहे का ही भाई, इसमें जंग लग चुका है क्योंकि ये बहुत पुराना है, ये बहुत पत्थर पे। अच्छा पत्थर पे से घिस के आग जलाते थे। अच्छा बसिल, अच्छा बस एक लोहा है, 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना है। अच्छा 200-300 साल पुराना है ये। 100-150 साल पुराना है। पहले पुराने जमाने में इससे आग जलाई जाती थी। चलो आप पूजा इससे जलाई। गोविंद अब मार्जिन फेंक दो भैया घर की सारी, अब मार्जिन फेंक दो सारी। अभी आ गया, अब इससे जलाना इस स्पेशल गांव से। मार्जिन का खर्चा खत्म। ले लॉकर में रख दो, ले लॉकर में रख दो। वो जो कितने मोटे मोटे हैं ये, बहुत ज्यादा। 1 किलो का 1 किलो, 1 किलो में कितने आते होंगे दाई? अगर ये तीन एक दर्जन में 3 आते हैं ये। हैं ये गांव के केले देखो। ओ बेटे आपके पेड़ के होते हैं खुद तो देखता कौन है उन्हें। अच्छा अच्छा ये है हमारे गांव के केले, हमारी ताई के गांव के केले। अच्छा हाँ बैंकों कितने मोटे मोटे हैं, केला लग रहा क्या है? हाँ ऐसे होते अच्छे हैं। हाँ पक, अब ये पकने के लिए रखे गए हैं। क्या कर रहे हैं हिंदी में? हिंदी में, हिंदी सीख लिया मैं, नहीं आई थी तब तक, जब तक है ना लता। अभी कह रहे दुर्गा दूरी दूरी बहुत टाइम, बहुत पहुंच गए उत्तराखंड में है। गर्मियों का सीजन, गर्मियों के सीजन में उगने वाली सबसे तो यहाँ के मुख्य फसल है लीची आम, और हम आपको दिखाएंगे हरी हरी लीची यहाँ की। यहाँ पे लीची देखिए, लीची बच्चों के हिसाब से आ रही है हमारे यहाँ पे। आज हमने घर के दोस्तों ना किसी मार्केट की ना कोई केमिकल नहीं हुई है, घर की लीची है, हमारे घर के पेड़ में हुई है, मतलब हमने किसी से मंगाई है घर के पेड़ से, बाकी आसमान से आती हैं हमारे घर के पेड़ों की लीची। ये देखिए कितनी कितनी हरी हरी लीची हो रही है, जूम करके दिखा दो दोस्तों। ये देखिए लीची, तो लीची है, लीची के पहले इसमें बाहरी परत होती है, छिक्कल होता है तो छीलता है, फिर इसके अंदर खाने वाला होता है, इसलिए लीचियाँ मीठी होती हैं।